हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और उसमें काफ़ी बार ऐसे हो रहा है कि हमें सब्जियां नहीं मिल रही हैं या फिर किसी तरह की कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो बहुत ही इजी आपको प्याज की चटनी बनानी है। बहुत इजी, सिंपल है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्याज आपको इस तरह से कट कर लेने हैं। देन मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। ये मैंने 5 से 6 प्याज ले लिए हैं। देन मैं इसमें 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 2 टीस्पून ही मैं इसमें 2.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्विक है, एकदम चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप अगर सब्जी भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसके साथ भी चपाती आप ईज़िली खा सकते हैं, आप टोस्ट के साथ भी खा सकते हैं। इसे टोस्ट के ऊपर लगाइए, बहुत ही यम्मी लगता है ये। या फिर पराठे के साथ भी ईज़िली आप अच्छे से खा सकते हैं। देन मैं इसमें 1 टीस्पून बटर या घी जो है, मैंने घी लिया है, ये मैंने ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसे मैं अवन में रख दूँगी। अवन में मैं इसे 10 मिनट्स के लिए इसे पका लूँगी। और ये अवन में इसका जो टेम्परेचर है 900 डिग्री है अभी, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बेक करना है हमें। इसे 10 मिनट्स के लिए सिर्फ पकाना है और देन ये चटनी बनके रेडी हो जाएगी। एकदम जैसे टेस्ट आप नॉर्मल चटनी बनाते हैं प्याज और टमाटर की, तो ये सिर्फ प्याज की है, उसी तरह से ही इसका टेस्ट आएगा। बहुत अच्छी, सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, बहुत क्विक बन जाएगी। टाइम कम है अगर आपके पास तो तब भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा है सही से, तो आप ये भी रेसिपी बना के आप सर्व कर सकते हैं। अभी 10 मिनट्स में इसे सेट कर दे। 10 मिनट्स का मैंने इस पर टाइमर सेट कर दिया है। देन अब इसे हम स्टार्ट कर देते हैं और 10 मिनट्स पकाने के बाद ये चटनी बन के रेडी हो जाएगी। और आपको लग रहा है अगर ये चटनी थोड़ी सी अगर हल्का सा कच्चापन आ रहा है, टेस्ट आ रहा है प्याज का, तो इसे 1 या 2 मिनट के लिए और इसे बेक कर लीजिए। बस ये चटनी बन के बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से ही अगर आपको रेसिपीज़ देखनी है जो 2 मिनट में या 3 मिनट में बन के रेडी हो जाएँ, तो मुझे इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।